खबर चमोली से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को गौचर के विशाल मेला मैदान में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित नंदा गौरा महोत्सव में शामिल हुए। बता दें कि सीएम धामी ने नौ कन्याओं का पूजन करने के बाद दीप प्रज्वलित कर नंदा गौरा महोत्सव का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने 4 अरब से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो वहीं योजनाओं का लोकार्पण करते हुए सीएम धामी ने कहा कि आयोजित नंदा गौरा महोत्सव का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और नारी शक्ति को सम्मान देना है। इसी क्रम में सीएम धामी ने कहा कि आज महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपनी आजीविका मजबूत कर रही हैं और इसी के तहत हमारी सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेकों कार्य कर रही है। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। मोदी जी ने जो तमाम क्षेत्रों में आज हमारी मातृ शक्ति को आगे लाने के लिए जहाँ लक्ष्मी दीदी बनाने के लिए शौचालय बनाए उज्ज्वला योजना शुरू की, उत्तराखंड के अंदर और आत्मनिर्भर रोजगार रोजगार ये नंदा गौरा महोत्सव मातृ शक्ति को समर्पित हमने ऐसे कार्यक्रम सभी जनपदों में किए हैं। आज ये हमारा 12वां जनपद है चमोली और इन स्थान सभी जनपदों में मातृशक्ति ने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया है। ये इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उत्तराखंड की मातृशक्ति अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, जहाँ स्वयं रोजगार करने के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है, अपने उद्यम कर रही है, स्थानीय उत्पाद बना रही है, स्वयं सहायता समूह को और मजबूत और सशक्त बना रही है, वहीं अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। हमारी प्राथमिकता है, हमारी सरकार हमारी मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हर वो काम करेगी जो उनकी जरूरत है।